तो यार कैसे हो सब यार भाई, क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो यार सब। तो यार आ चुके एक और नई वीडियो के साथ गाइस फिर से वापस। तो यार बहुत दिनों से इसमें आसुस जेनफोन मैक्स प्रो M1 और M2 में कुछ कस्टम रोम्स को ट्राई कर रहे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुके हैं। तो यार अभी जो है एक नया टॉपिक निकल के आया कि जब मैं यार कस्टम रोम्स की वीडियो को बनाता हूँ तो मेरे पास यार कुछ कमेंट्स आते हैं कि भाई स्टार्टिंग से बताओ कैसे करना है इसको, कैसे करना है। तो यार यहाँ पे इस फोन और आसुस जेनफोन मैक्स प्रो M2 दोनों फोन्स की बात करेंगे आज की, इसके अंदर आपको कैसे रिकवरी इंस्टॉल करनी है, कैसे आपको रूट करना है। तो गाइस सारी बातें करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो यार ये जो बूट लोडर है इसको अनलॉक करना पड़ता है सबसे पहले। तो इसका साइन आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि इसका साइन क्या है। तो ये इसका साइन है जो आप देख रहे हो, अगर ये मैसेज आपके पास आ रहा है तो आपका बूट लोडर अनलॉक है। तो यार बात करेंगे इसी बूट लोडर की, कैसे इसको अनलॉक करते हैं, इसके बाद बात करेंगे कैसे आप TWRP रिकवरी को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद बात करेंगे कैसे आपको करना है इसको रूट। यार सारा मेथड मैं इसको वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आपको क्या करना है इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक स्टेप भी गलत किया तो आपका जो डिवाइस है वो ख़राब हो सकता है या फिर आपको इश्यू आ सकता है। आप फिर कमेंट करोगे कि यार अच्छी तरह से नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आई है। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले PC पे, आपको दिखाऊंगा बूट लोडर कैसे अनलॉक होगा, उसके बाद बात करेंगे रूटिंग की और TWRP रिकवरी की। यार मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं NewTechLearners चैनल, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। यार यहाँ पे आप देखो गाइज, आपको आगे क्या करना है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मेरे पास फोन है, आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे पावर, ये जो आप देख रहे हो वॉल्यूम अप बटन को आपको प्रेस करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करना है। तो उसके बाद गाइज आप देखो यहाँ पे आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपके सामने फास्ट बूट मोड आएगा, तो इसको आपको फास्ट बूट मोड के अंदर लेके आना है। तो उसके बाद आपको करना है यहाँ पे डाटा केबल से कनेक्ट, तो मैं कर देता हूँ गाइज कनेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ गाइज, तो यहाँ पे आप देखो मैंने इसको कर दिया कनेक्ट। तो यहाँ पे जैसे गाइज कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, अपने जो PC है उसके अंदर आपको डिवाइस मैनेजर के अंदर आना है। तो यहाँ पे आप डिवाइस मैनेजर के अंदर देखोगे गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉइड कुछ, यहाँ पे आप देखो जैसे ही आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे आपको क्लिक करना है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड फ़ोन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ब्राउज पे गाइज आपको क्या करना है, जो आपने फाइल अनलॉक की डाउनलोड की थी वहाँ पे आपको उस फाइल के अंदर जाना है। तो गाइज उस फाइल के अंदर आपको एक कुछ फाइल सेलेक्ट करनी है, वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी डिस्क को अनलॉक करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अनलॉक फाइल के अंदर क्या करना है। तो मैं गाइज सेलेक्ट करूँगा अनलॉक फाइल को और उस फाइल के अंदर आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही मैं इसको अनलॉक करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो मैं गाइज यहाँ पे गया, देखो आप डिस्क के अंदर गया, यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे अनलॉक फाइल है, इसके अंदर मैं आया, तो यहाँ पे आप देखो अनलॉक फाइल के अंदर एंड्रॉइड के अंदर आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है। तो जैसे गाइज आप ओके करते हो तो यहाँ पे आप देखो ADB डिवाइस है जो बूटलोडर अनलॉक, आपको देखो यहाँ पे आसुस एंड्रॉइड बूटलोडर इंटरफेस आपका आ चुका है। तो आपका डिवाइस हो चुका है कनेक्ट, यहाँ पे आप देखो आपको कुछ ऐसा इसके अंदर मिल जाएगा। तो यार उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ फाइल्स मिलेगी, सबसे पहले उनको आप डाउनलोड कर लेना। तो जैसे डाउनलोड करोगे आप स्क्रीन पे देखो, फर्स्ट जो सेटअप है आपको उसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे गाइज हम करेंगे फर्स्ट को इंस्टॉल। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको रन कर सकते हो, जैसे आप रन करोगे यहाँ पे आपके सामने कुछ नेक्स्ट के ऑप्शन आएंगे, आप देख रहे हो नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना, मैंने इसको कर रखा है पहले ही। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे ADB का जो सेटअप है इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सिंपली यस करना है, बस आपको यहाँ पे जैसे ही यस करोगे तो यहाँ पे आपको वाई प्रेस करना है। तो वाई प्रेस करते ही आपको एंटर प्रेस करना है, तो जैसे आप एंटर करोगे तो आपके जो सेटअप है इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अनलॉक के अंदर आपको आना गाइज, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो एक बार CDs के अंदर आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है। तो यहाँ पे गाइज आप देखो आपके जो सॉफ्टवेयर थे जो आपने सेटअप इंस्टॉल किए थे ये आपके इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे आपको ऐसे पता लग जाएगा कि आपके जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे आपको दो फोल्डर्स मिलेंगे, ये आप देख रहे हो। तो आपको जो मेन है वो मिनिमल ADB का मिलेगा, क्वालकॉम ये थोड़ा सा अलग है गाइज, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अनलॉक के अंदर आना है। तो यहाँ पे आपको अपना आप देख सकते हो फास्ट बूट के अंदर ही कनेक्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इस रिकवरी की फाइल है जो, इस रिकवरी की फाइल को आपको जो है रीनेम करना है। आपको ये रिकवरी को रीनेम कर देना, आपको अलग फाइल कुछ मिल सकता है नाम, तो इसको रीनेम करके कॉपी करना है। तो कॉपी करके आपको क्या करना है, वहाँ पे पेस्ट करना है आपको मिनिमल ADB फास्ट बूट के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर रखा है, तो यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे इसके बाद आपको क्या करना है, देखो आप यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको उसके बाद सिर्फ ये अनलॉक की फाइल को ओपन करना है, सिर्फ एक बार इस पर डबल क्लिक करना है। तो आपको डिवाइस को यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे फास्ट बूट के अंदर कनेक्ट रखना है और सिर्फ एक बार क्लिक करना है ओल्ड डिवाइसेज के लिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका डेटा इरेज हो जाएगा और आपका डिवाइस जो बूट लोडर है अनलॉक हो जाएगा। तो यार जैसे ही बूट लोडर अनलॉक हो जाता है उसके बाद आप देखो आपको क्या करना है,
तो यार जैसे ही हमारा बूट लोडर हो गया अनलॉक, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन फास्ट बूट मोड के अंदर आपको डिवाइस को लेके आना है, ऐसे आप देख रहे हो। तो जैसे आप लेके आते हो यहाँ पे आपको उसी मिनिमल एडीबी के फोल्डर के अंदर आना है, सी डिस्क के अंदर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, टाइप जो आप देख रहे हो आपको यहाँ पे टाइप करना है एडीबी डिवाइसेज, फास्ट बूट डिवाइसेज आप देख रहे हो। तो फास्ट बूट डिवाइसेज आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे आपके सामने कुछ फास्ट बूट डिवाइस का एक सीरियल नंबर आएगा। तो इस सीरियल नंबर को आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये हमारी थी कुछ रिकवरी की फाइल। तो आपको अभी क्या करना है, इसके अंदर आपको टाइप करना है fastboot/recovery.img। यहाँ पे उस फाइल को हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया था रिकवरी के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, fastboot/recovery.img। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे अब मैं लिख रहा हूँ गाइज fastboot/recovery.img, आपको सेम यहाँ पे जो है इसको फ्लैश करना है। यहाँ पे आपको इसको ऐसे जैसे ही प्रेस करोगे आप इसको फास्ट बूट मोड के अंदर, उसके बाद आपको क्या करना है यार, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो उसके बाद आपकी रिकवरी हो जाएगी इंस्टॉल। तो यार यहाँ पे जैसे ही आपने किया एंटर प्रेस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ इसको पावर बटन को प्रेस करके रखना है। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करके रखोगे तो आपका जो डिवाइस है यहाँ पे हो जाएगा स्विच ऑफ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आप वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करोगे यहाँ पर पावर बटन को प्रेस करो। गाइस जैसे स्क्रीन ऑन होती है तो यहाँ पे पावर बटन को छोड़ दो, वॉल्यूम बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखो। तो यार इसको आपको प्रेस करके रखना है, बीच में आपको जो है इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप इसको प्रेस करके रखोगे तो इसके बाद आपके सामने क्या आएगा, ये एक जो है आप मैसेज देख रहे हो, ये बूट लोडर अनलॉक का, जो आपने बूट लोडर अनलॉक किया था तो उसमें आपका सारा डेटा इरेज हो गया था जो आपको पता है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी यार आपकी जो रिकवरी है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। आप अभी इसके अंदर जो है अपने यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस रिकवरी से आप अपनी कस्टम रोम्स को यूज़ कर सकते हो। अभी आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यार सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकअप पे क्लिक करना है। यहाँ पे इन सभी फाइल्स को आप यहाँ पे यूज़ कर लो, ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे इसके साथ बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको बैकअप ले लेना है। क्योंकि गाइज अगर आप जो है आपका कई बार जो है डेटा आपका डिलीट हो जाता है, रोम आपकी डिलीट हो जाती है, तो आपकी जो है ये फाइल काम आएगी, आपकी जो ये फाइल है इसको आप जो है यूज़ करके अपने स्टॉक रोम पे वापस जा सकते हो। तो आप इसको एक बार बैकअप ले लो गाइज। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, अपनी जो इंटरनल स्टोरेज है उसके अंदर इंस्टॉल पे आना है। तो उसके बाद गाइज आपको जो है एक फाइल मिलेगी, यहाँ पे आपको क्या करना है, उस फाइल को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो फाइल मैं आपको दे दूंगा। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको फाइल मिल रही है, तो आपको वो भी फाइल ऐसे ही मिलेगी। आपको क्या करना है, उस फाइल को डिक्रिप्ट के नाम से वो फाइल लगाई, वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद मिलेगी। तो गाइज यहाँ पे अभी इसके अंदर जो है मेरे पास नहीं है वो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस फाइल को आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। सिंपली ऐसे क्लिक करके यहाँ पे स्वाइप टू कंफर्म करना है, तो उससे आपका क्या होगा, जो डेटा इंटरनल का वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो उसके बाद गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, वाइप के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे आपको फॉर्मेट डाटा करना है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा यस ऐसे, और उसके बाद आपको करना है ओके। तो गाइज जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका डेटा है जो वो डिलीट हो जाएगा एक बार, और आपकी जो फाइल है डिक्रिप्ट वाली फाइल वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, और आपकी जो गाइज जो डिक्रिप्शन थी वो यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि गाइज जो आपकी एंड्रॉयड वाली स्टॉक रोम है वो आपकी जो है डिक्रिप्टेड नहीं होती है, वो एनक्रिप्टेड होती है, उसको आपको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। तो जैसे आप डिक्रिप्ट करोगे तो उसके बाद आपको माउंट करना है, या फिर गाइज आप माउंट की जगह आप अपना एसडी कार्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एसडी कार्ड को ओके करो, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसी फाइल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे डाउनलोड के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो जहाँ पे आपके फाइल्स हैं। तो उसके बाद आपको फिर से डाउनलोड करनी है एक फाइल, जो आपने यहाँ पे मैजिस की फाइल डाउनलोड की थी, ये आप देख सकते हो मैजिस की डिबग, इसको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप ऐसे स्वाइप कर देना है। तो जैसे आप गाइज आप स्वाइप करोगे यहाँ पे आप देखो आपके सामने कुछ ऐसा इसके अंदर इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद आप देखना यहाँ पे कुछ कोडिंग चल रही है, यहाँ पे अनपैकिंग बूट इमेज ऐसा कुछ चल रहा है। तो यार जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है तो आपका जो डिवाइस है वो हो जाएगा यहाँ पे रूटेड। तो गाइज रूटेड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि रूट हुआ या नहीं, सब कुछ आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखो रीपैकिंग बूट इमेज। तो गाइज ये जैसे ही हो जाता है उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई इस वीडियो के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ करना पड़ा मुझे, सारे ड्राइवर्स अनइंस्टॉल करने पड़े, सब कुछ यार करना पड़ा इसके अंदर मुझे। और उसके बाद देखो आप, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ अगेन। तो यहाँ पे आप देखो इसको वाइप करो, तो वाइप के बाद आप करो यहाँ से रिबूट पे क्लिक, डू नॉट इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपका डिवाइस हो जाएगा रिबूट अगेन। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये मैसेज आपका बूट लोडर का गाइज, ये आपका परमानेंट यहाँ पे रहेगा जब तक आप अगेन स्टॉक रोम को जो है फास्ट बूट की जो कमांड है उसे आप फ्लैश नहीं कर दोगे। तो यहाँ पे फ्लैश ऑल की एक कमांड है, फास्ट बूट की एक जो फाइल होती है उसे आपको जो है अपनी स्टॉक रोम को फ्लैश करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो ये मैसेज हो जाएगा। तो यार यहाँ पे आप देखो डिवाइस हुआ रिबूट। तो यार जैसे ही मेरा डिवाइस रिबूट हुआ तो यहाँ पे आप देखो आपको पिन डालना अपना जो भी था,
तो यहाँ पे आपको क्या करना, अपनी स्टॉक रोम के अंदर आप एंटर हो जाओगे। तो जैसे ही आप एंटर होते हो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना गाइस। यहाँ पे उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलेगी जो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो अभी ये नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिकली आ गई मैजिक मैनेजर। तो ये गाइस आप देखो आपका डिवाइस हो चुका है यहाँ पे रूट ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप जैसे सेफ्टी नेट को यहाँ पे चेक करोगे तो ये आप चेक कर सकते हो। ये गाइस कुछ सेफ्टी नेट के कुछ और फीचर्स हैं, इनको आप चेक कर सकते हो। यहाँ से CTS बेसिक इंटीग्रिटी के कुछ ऑप्शंस आते हैं। तभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है सुपर यूज़र को चेक करना है। ये आप देख रहे हो नो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड फॉर सुपर यूज़र। तो यार आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है सुपर यूज़र की एक एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे सुपर यूज़र आप जैसे सर्च करोगे यार, यहाँ पे आप देखो रूट चेकर का कुछ ऐसे एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो रूट चेकर को, यहाँ पे इसको भी मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंस्टॉल हुई है एप्लीकेशन। उसके बाद आपको दिखाता हूँ आपको इसके अंदर क्या चेक करना है। तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नहीं होगा, आपके लिए स्पेशली ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इसके बाद आपको जो है कस्टम रोम के वीडियो मिल जाएगी आगे। तो अभी जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है कस्टम रोम्स को यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखो जैसे आपने इसको यहाँ पे ओके किया, यहाँ पे देखो आप इसको आपको करना है इस पर क्लिक। यहाँ पे आप देखो इसके अंदर सुपर यूज़र रिक्वेस्ट आई है, ग्रांट करेंगे। यहाँ पे आप देखो आपके सामने आया रूट वैलिडेटर। यहाँ पे आप देखो गाइज आपका यहाँ पे देख लो यू हैव परफेक्टली रूटेड डिवाइस। तो यार आपके सामने कुछ ऐसा ही आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है गाइज, आपके पास जो है परफेक्टली रूटेड डिवाइस है। तो इसके अंदर आप देखो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे रूट अवेलेबल है, सुपर यूज़र की जो बाइनरी है वो भी अवेलेबल है, सुपर यूज़र की ऐप भी यहाँ पे मिल चुकी है, सेलनक्स इन्फोर्सिंग पे है। यहाँ पे आप अगेन चेक करो, यहाँ पे आप देखो रूट वैलिडेटर वाज ग्रांटेड। यार ये आप देख सकते हो ये आपके डिवाइस है जो यहाँ पे परफेक्टली रूटेड है। अभी आपने जो है एक और ऐप यहाँ पे इंस्टॉल की थी रूट चेकर, उसको चेक करते हैं। यहाँ पे आप एग्री करोगे, तो जैसे आप एग्री करोगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो वेरीफाई रूट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा अगर मैसेज गाइज आ रहा है तो आप समझ लोगे आपके डिवाइस रूटेड है। यहाँ पे आप देखो कॉन्ग्रेचुलेशन रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। तो यार ऐसे आप कर सकते हो इसको रूट अपने डिवाइस को। तो गाइज ये था कुछ जिसके अंदर आपने देखा अनलॉक किया हमने सबसे पहले बूट लोडर को। तो उसके लिए हमने क्या किया गाइज, कुछ सॉफ्टवेयर थे जो सेटअप्स थे उनको इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने सबसे पहले अनलॉक किया बूट लोडर, उसके बाद फास्ट बूट के अंदर हमने कुछ ड्राइवर इंस्टॉल किए, उसके बाद रिकवरी को इंस्टॉल कर लिया। और उसके बाद गाइज हमने क्या किया, यहाँ पर रिकवरी के अंदर आके ये फाइल्स को इंस्टॉल किया। उसके बाद हमारा डिवाइस जो है रूटेड यहाँ पे शो हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो रूट चेकर, यहाँ पे सुपर यूज़र अवेलेबल आ चुका है। तो ये था कुछ जो है रूटिंग प्रोसेस, बूट लोडर अनलॉकिंग प्रोसेस और TWRP इंस्टॉलेशन। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और मैं आपसे मिलता हूँ गाइज यहाँ पे नई रोम के साथ, जो आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिबूट पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे ही बंद होती है तो यहाँ पे पावर जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करने के आप देखो क्या होगा, तो आपको इसको प्रेस करके रखना है, ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस है जो रिकवरी के अंदर बूट होगा। यार यहाँ पे आप देखो मैं इसके सामने आप जो देख पा रहे हो कि जो बूट लोडर का इंटरफेस ये आप देख सकते हो अनलॉकिंग का आया। इसके बाद यहाँ पे हम इसको जो है वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखेंगे और TWRP रिकवरी बूट हो जाएगी। यहाँ पे अभी आपके सामने करूँगा मैं इंस्टॉल, तो आपको कैसे करना है इंस्टॉल वो भी आप देख लो। यार वाइप करेंगे, वाइप पे जाएंगे एडवांस वाइप पे, यहाँ पे इन सभी को आपको सेलेक्ट करना है। तो इनको आपको सेलेक्ट करना है, इंटरनल को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे करेंगे स्वाइप। तो यार जैसे ही स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको बैक करना है। यहाँ पे उसके बाद आपको जो रोम इंस्टॉल करनी है उसके आपको फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं जो रोम अभी आपको रिव्यू दूंगा जिस रोम का वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये पिक्सेल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन। यार इसको करेंगे ऐसे इंस्टॉल, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे यहाँ पे मैसेज मिलेंगे, पेजिंग सिस्टम इमेज अनकंडीशनली। तो ये जैसे ही हो जाती है गाइज आपकी रोम हो जाएगी इंस्टॉल। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, थोड़ा वेट का आपको करना पड़ेगा। तो यार यहाँ पे आप देखो जैसे ये लाइन यहाँ पे आपकी कुछ ऐसे कंप्लीट होगी, तो उसके सामने गाइज आपको दिखाऊंगा इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है इसके बाद आपको वेंडर इमेज का यहाँ पे जो पैचिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखो पैचिंग वेंडर इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे ये कंप्लीट होती है तो उसके बाद आपको थोड़ा सा और स्टेप है कुछ उनको फॉलो करना है। तो यार आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको इसके अंदर मिल गई होगी। तो अगर आपको मिल गई है तो आप जो है अपना सब्सक्राइब बटन दबा दो और वह बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो। तो यहाँ पे आप देखो वाइप करेंगे इसको, तो यहाँ पे इसके बाद रिबूट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डू नॉट इंस्टॉल पे करेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली रिबूट होगा। उसके बाद आपको जो कस्टम रोम है गाइज आप कॉन्ग्रेचुलेशन, अपनी कस्टम रोम को आप जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हो। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अगर आपको अभी भी नहीं आया तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे आप उनसे जो है कुछ भी पूछ सकते हो। और गाइज अगर आपको जो है कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हो, वहाँ पे भी आप पूछो, मैं आपके जो सभी कमेंट्स हैं उनका जो रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो यार यहाँ पे देखो आप गूगल आ चुका है, यहाँ पे गूगल की जो पिक्सेल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो यार ये था कुछ कस्टम रोम इंस्टॉलेशन का रूट करने का प्रोसीजर, और इसी के साथ बूटलोडर अनलॉक करने का, और जो है बाकी कुछ TWRP रिकवरी की इंस्टॉलेशन थी, सब कुछ मैंने कहा इस वीडियो के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कवर कर दिया है। तो यार मैं आपसे मिलता हूँ नई कस्टम रोम की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।